जहन बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टेलीस्कोप, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हमें पढ़ना क्यों है, या जब टेलीस्कोप से हम खुद ही दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं, तो व्हाई वी नीड अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, व्हाई वी हैव टू गो टू रीड अबाउट द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इंस्टेड ऑफ द ओनली टेलीस्कोप। तो हमें टेलीस्कोप की जगह पर क्यों रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ना है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? तो आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में एक बहुत बड़ा सा लेंस था जिसको हम लोग कहते थे ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक था आईपीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की बहुत बड़ी डायमीटर होती है, बहुत बड़ा लेंस होता है, इसलिए उसको सेट करना, कैरी करना और बनाने में डिफिकल्टीज, और राइट जगह पे उसको फिक्स करना, जैसे आपने पढ़ा था ना कि बहुत बड़ा सा लेंस था, फिर यहाँ पर एक छोटा सा आईपीस था, और यहाँ से ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखे थे, इससे इमेज बनाते थे, इधर बनता था फोकस पर, पढ़े थे ना अभी, ऐसे बनता था, पढ़े थे ना, यहाँ को एफओ कहे थे यहाँ से, अभी कल पिछले क्लास में। तो ये जो लेंस है ये बहुत बड़ा है, हमारे इंडिया में 2.5 डायमीटर का, 2.5 ऑलमोस्ट 3.4 है, 2.34 है मेरे ख्याल से, लेकिन ऑलमोस्ट 5 कह देते हैं, 3.4 डायमीटर का, इतना मीटर डायमीटर का एक टेलीस्कोप है, जो कि मेरे ख्याल से बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में, और उसके बाद एक तमिलनाडु में भी है। इतना मीटर को मतलब समझते हैं, देखिए ये इतनी हाइट, इतनी जो है इतनी, ये 1 मीटर है, मतलब 2 मीटर में इतना पहुंचाएगा ना, 2.5 मीटर मतलब यहां से इतना बड़ा लेंस, सोचिए इतना बड़ा लेंस है, वो बनाने में कितनी डिफिकल्टीज हुई होगी। दूसरी बात, अगर ये लेंस बन भी गया तो कितना ज्यादा वेटेड होगा ये, है कि नहीं? और जिस टेलीस्कोप में ये फिट किया जाएगा वो टेलीस्कोप कितना वेटेड हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना कितना डिफिकल्टीज होगी, अगर कैरी करते भी हैं ले जाते हैं, क्योंकि अब तो कहीं सर जी ट्रक जितना बड़े बड़े और भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को ले जाते हैं तो उसको कैरी करने में कंसर्न रहता नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गया, अगर इधर थोड़ा सा भी डेविएट हो गया तो हमारा एडजस्टमेंट फिक्स करना पड़ेगा ना। और दूसरी बात की लेंस बहुत भारी है, और क्रोमेटिक एविएशन भी उसमें होता है, बताओ क्रोमेटिक एविएशन ये क्या होता है अभी बताते हैं, इसको भी दूर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये इसको हटाना पड़ेगा इस लेंस को, क्यों? अगर लेंस इतना बड़ा है तो उसकी थिकनेस भी तो होगी बेटा, उसकी थिकनेस भी तो होगी, तो अब उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, तो आपको पता है कि जब कोई लाइट रेस किसी प्रिज्म से, और आपको मैंने बता रखा कि एक लेंस प्रिज्म ही होता है, पढ़ाए गए एक लेंस प्रिज्म ही होता है, कैसे सुनो, अगर मैं इसको थोड़े थोड़े पार्ट में काट दूं, चलो ऐसे समझो मैं अगर इस लेंस को ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट में काट दूं, ऐसे काट दूं, तो मुझे बताएं ये क्या एक लेंस है कि नहीं, अरे प्रिज्म है कि नहीं, ये एक प्रिज्म की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं, अब बताइए ये भी एक प्रिज्म है जिसका शीर्ष है ऊपर से हेड गायब है, लेकिन है तो प्रिज्म कि नहीं, तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं। और आप पढ़े हैं कि अगर प्रिज्म कोई है, ऐसे प्रिज्म है, अगर ऐसे लाइट ले जाते तो ये बेंड करता है बेस की तरफ, बेंड करता है कि नहीं, अब आप बताइए कोई सी लेंस में ऐसे लाइट ले जाते तो बेस की तरफ बेंड करता है कि नहीं, जिधर थिकने ज्यादा है, बोलिए ना, पढ़े हैं ना, ज्यादा जल्दी बोल दिएगा, ज्यादा जल्दी हम बोल दिए नहीं समझे, अगर इस प्रिज्म में लाइट आप ले जाते हैं ऐसे तो ये लाइट सीधे नहीं जाती है, ये बेंड हो जाती है ना, किधर बेंड होती है, जिधर उसका फेस होता है, बेस मतलब जिधर थिकनेस ज्यादा है, ऐसे ही अगर ये लेंस है तो इस लेंस पर ऐसे लाइट ले जाते तो किधर बेंड होती है, ऊपर की नीचे होगी, जिधर बेस ज्यादा है जिधर थिकनेस ज्यादा है उधर बेंड होती है ना बेटा। तो एक प्रिज्म, एक लेंस में प्रिज्म के सारी प्रॉपर्टीज होती है, लेंस अपने आप में प्रिज्म ही है, सही है ना, ओके ठीक, कोई डाउट? तो इसलिए क्रोमेटिक एविएशन क्या है समझते हैं, क्रोमेटिक एविएशन का मतलब कि अगर ये बहुत ज्यादा थिक लेंस होगा तो जब उसमें लाइट पास होगी, एक वाइट लाइट जो आप सेलेस्टियल बॉडीज को देख रहे हैं, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब सैटेलाइट, प्लैनेट्स, ये सब मून, ये सब जो देख रहे हैं आप उसको देख रहे हैं, तो वहां से जो लाइट आ रही है वाइट लाइट अगर है, तो वाइट लाइट जैसे ही एंटर की इसमें तो वो उसमें सभी कलर है, 7 कलर से पढ़े आप लोग तो सारे कलर है, तो वो सारे कलर के लिए इसी लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, याद है मैंने बोला था कि मैं आपके लिए, आपसे मेरा रिलेशन कुछ और है, पापा से मेरा रिलेशन कुछ और है, भाई से कुछ और है, पत्नी से कुछ और है, कोई और कुछ और है, तो मतलब हर किसी से के लिए हमारी वैल्यू बराबर नहीं है, पहली बात सबके लिए वैल्यू अलग अलग है, ये भी बात है कि नहीं, तो व्यक्ति एक ही लेकिन अलग अलग लोगों के लिए उसके वैल्यू अलग है, ऐसे ही एक ही लेंस
लेकिन अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग, तो कुछ को ज्यादा बेट करा देगा व्हाइट लाइट में जो सेवन कलर है, कुछ को कम बेट कराएगा, मतलब उसमें कई लाइट रेज बाहर स्प्रेड हो जाएंगी, निकल जाएंगी, जबकि हमें एक एक लाइट रेज से इमेज बनाना था ना, कई लाइट रेज ऐसे आएंगी तो ये एकदम कंट्रास्ट ब्राइट एकदम शार्प इमेज नहीं बनेगा, वो ब्लरिस बनेगा। तो इससे भी हमें दूर करना, क्योंकि मून को देखना है, अब ब्लर इमेज बन रहा है, बड़े बन के क्या करेगा, जब ब्लर बन रहा है क्लियर उसके बारे में नहीं कर पाएंगे बेटा, बोली समझ आएगा नहीं, इसलिए इस लेंस के मैंने अभी आपको बता दिया कि जो अभी भी ये मैंने बोला कि जो कलर की वजह से ब्राइट में शार्पनेस अच्छी नहीं आएगी, वो उसका कहेंगे क्रोमेटिक एबिलेशन। तो इसको भी दूर करने के लिए हम लोग इस बड़े वाले लेंस के जगह पर एक मिरर यूज करते हैं, मिरर, ठीक है ना। तो एक बात बता, लेंस से लाइट पास होकर के अपने पास से डिविएट होती है, तो इसको रिफ्रेक्शन कहते हैं। When light goes from one medium to another medium, then it got deviated from its initial path. This phenomena of deviating of light rays from its initial path is called as the reflection of light. तो अब अगर कह दे कि मिरर है, तो आपने पढ़ा when light incident on a smooth surface, then it reflect back into the same medium, then this process is called as the reflection of light. तो जब मिरर है तो मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, सही है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर जब मिरर लगा देंगे तो उसका नाम क्या होगा, बोलिए पहले, रिफ्लेक्टिव होगा कि नहीं। और टेलीस्कोप इसलिए कि दूर वाले को ही देख रहे हैं, इतनी बात समझ में आई क्या। अब आते हैं टॉपिक पे, पढ़ते हैं क्या, देखिए चंदा मामा को देखेंगे। अगर मान लीजिए बेटा बहुत दिन चंदा मामा कह देवे कि नहीं आज चल रहे हैं अपने बहन से मिलने, बहन पृथ्वी हुई ना, तो कहाँ रखेंगे, आगे ठीक देंगे दिन आए चंदा मामा हम लोग बुलाते हैं, दिन चंदा मामा आए टिक दिए हम लोग को, है ना। सुने अच्छा इधर, हाँ देखें तो समझते हैं बेटा, पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इमेज क्या बनाते हैं इसका, पहले ये हो गया एक मिरर, कौन सा मिरर है बताएं, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। अब इसके सामने कहीं पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिए बेटा, नाम ए बी, स्ट्रेट, ये अनुस स्ट्रेट मान लीजिएगा बात। देखिए इधर देखिए, तो यहाँ पर अब शांत रहिए बस, ठीक है। इधर देखिए यहाँ से लाइट रेज अब यहाँ पर इंसिडेंट हुई इस पर, और इसके बीच में पहले इस लेंस के जगह पे एक मिरर लगा दिए, और यहाँ पर एक सिंपल मिरर लगा है जिसमें आप सुबह सुबह अपना मुंह देखते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ मुंह देखते हैं या चेहरा। तो यहाँ से बेटा कोई लाइट आती है ऐसे, ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है ना, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो यहाँ से कोई लाइट रेज ऐसे आई, और यहाँ से ये मिरर है तो रिफ्लेक्ट हुई क्या, तो रिफ्लेक्ट हो करके ये यहाँ पर पड़ी, कहाँ वापस, एंगल देख रहे हैं ना सब, तो यहाँ से आई यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई और इस सिंपल ग्लास प्लेट मिरर पे पहुंची। सिंपल मिरर इसको कह दीजिए M1, इसको ठीक, बहुत तेज है आप लोग, पता है कि एक M1 पे एक M2 होगा। इधर अब देखिए ई इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को हम लोग मान रहे हैं, तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज क्या होती है, पैरेलल होती है क्या, बताइए ना, अरे जीवन विद्या मेरा बताते हैं। तो इधर यहाँ से लाइट रेज ऐसे दूसरी लाइट रेज आई, ये पैरेलल आएगी इसके, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो ऑलमोस्ट पैरेलल ही है, दिख भी रहा है। तो ये लाइट रेज ऐसे आई यहाँ पर, शांत रहे बच्चा, अब यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर एक आई पीस है ये यहाँ पर आई पीस का मतलब यहाँ पर आंख प्लेस किए रखे हैं हम लोग ना, आंख रखे मतलब निकाल के नहीं रखे ना। सुनिए सुनिए, यहाँ पर आई से बेटा, तो ये लाइट जो है ये लाइट ऐसे आवेगी यहाँ पर, फिर इधर ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आईज में इंटर की, तो ये जब आईज में इंटर करेगी तो अब यहाँ देखिए ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, तो ये बेंड करेगा ना, ऐसे बेंड किया आईज में, तो अब ये लगेगा आईज को भी कहाँ से आ रहा है, दूर से आ रहा है, बोलिए सही कि नहीं, अरे जहां से इंटर किया है वही लगेगा कि लाइट पीछे से आ रही है,
स्ट्रेट, तो ये लगेगा यहाँ से लाइट आने के बाद ऐसे जा रही है, क्योंकि हम लोग को पता है कि लाइट हमें लगता है कि जहाँ अगर यहाँ पर सन है, यहाँ सन है और यहाँ पे हम मिरर ले और आपके आईज पर मैं अगर साइनिंग कराऊँ मिरर, तो आपको सन कहाँ दिखाई देगा, इसमें ना दिखाई देगा, जो लाइट आपके ऐसे पड़ी है आईज में तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो सन आपको मिरर में दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि लाइट जो ये लाइट आपके आईज पर पड़ी है वो क्या मिरर से पड़ी है, नहीं वो तो सन की लाइट है, लेकिन यहां से आकर तब गई यहाँ पर, इसलिए आपको लगे कि नहीं वो तो लाइट सन से आ रही है, डायरेक्ट आपको नहीं पड़ी है, तो इसलिए आप इधर देखेंगे और आपको सन का इमेज पीछे दिखेगा। तो ऐसे ही ये लाइट आ कहां से रही है, ये लाइट आ रही है आपकी ऑब्जेक्ट के यहाँ से ऐसे चल करके, लेकिन ये ऐसे इंटर की यहाँ पर और यहाँ पर बेंड करके आईज में ऐसे आ गई, तो हमें लगे कि ये पीछे से आ रही है। अरे बेटा लगेगा ना, इट विल अपीयर टू कमिंग फ्रॉम दिस पाथ, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे डॉटेड लाइन से, अरे अपीयर हो रहा है ना, सच का तो नहीं है ना, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। इतना समझ में आया था, समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात, क्योंकि दोबारा बताएंगे नहीं। अब जैसे सुनिए, तो दूसरी लाइट रेज बेटा, अब दूसरी लाइट रेज जो है ऐसे आई, तो अब ये लाइट रेज भी बेंड करेगी, सही है ना, ये लाइट भी बेंड करेगी ऐसे, इस पर भी एरर बनेगी। एक मिनट कुछ, एक मिनट यहाँ से रुक जाइएगा, ये एंगल थोड़ा सा इसका बनाना चेंज रहे, ये जब यहाँ पर आवेगा तो ये कम बेंड होगा ना, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, इसका एंगल देखिए ऐसे है ना, इसलिए ये ऐसे ऐसे जावेगा, ऐसे जावेगा, और दूसरी लाइट रे से ऐसे आवेगी, तब ये और बेंड हो जाएगी यहाँ से, और ऐसे बेंड हो जाएगी, और ये जो यहाँ आया है ऐसे बेंड होकर आगे जा जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर टकराया तो ये देखिए एंगल देखिए, इसलिए इधर जावेगी और यहाँ टकराएगी तो और इधर आएगा। अब सुनिए बात नहीं बच्चा, इधर सुनिए, जहां पे इंटरसेप्ट किया वही क्या पहले इमेज बनाया कि नहीं, जहां पे इंटरसेप्ट किया वहीं पर इमेज बनेगा। अब एक बात और सुनिए, यहां से बीचों बीच एकदम ऐसे एक लाइन खींचिए, जो कि हमारा ये एक्सिस कहा जाएगा हमारे ऑपरेटर्स का, एकदम बीचों बीच ऐसे खींचिए। अब बताइए यहाँ पे जहां पे इंटरसेप्ट किया है यही पर बन जाएगा एक को इमेज, पहले बताइए ये दोनों लाइट रेज कहां से आएंगे, ऑब्जेक्ट के शीर्ष से का, ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से क्या, तो इसलिए इसका इमेज जो है बनेगा यहाँ पर उसका नाम होगा ए डैश। बोलिए कोई दिक्कत, आप बात करेंगे इधर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए ये जो है आपका ऑब्जेक्ट बन गया ए डैश, इमेज बन गया ए डैश और यहाँ पर बन जाएगा बी डैश। अब बताइए ये इमेज क्या इससे बड़ा है, नहीं हमें तो बड़ा चाहिए। आइए तो ए डैश इधर, तो ए डैश जो है इस लेंस के सामने, इस लेंस के सामने ए डैश बी डैश क्या एक ऑब्जेक्ट तरह एक्ट करेगा, ये इमेज अगर इसके सामने खड़ा है, अगर एक यहाँ पर एक मिरर हो, यहाँ पे एक मिरर हो, उस मिरर के सामने एक मिरर है, अगर उस मिरर से कुछ एंगल पे ऐसे हम खड़े हैं मिरर में दिखाई दे रहा है, तो मेरा इमेज इस मिरर में भी दिखेगा वहां की वजह से, हाँ यहाँ, तो इसलिए सेम कंडीशन यहाँ पर भी, तो अगर इमेज भी मिरर के सामने है या लेंस के सामने, तो उस इमेज का फिर से इमेज बनेगा जो होगा फाइनल इमेज। आयो सही है क्या, अब यहाँ बताइए बेटा, तो इसको अगर हम लोग पीछे बनाएंगे, इसको मैंने ऐसे पीछे बनाया तो यहाँ पे चला गया, ऐसे इसको पीछे बनाएंगे तो देखिए स्ट्रेट नहीं निकल थोड़ा, ये सब बॉडी में बनाना पड़ेगा ना। हाँ उसमें बस बेटा इधर हंसने क्या बात है इसमें, देखिए इधर, तो अब फिर ये हमें लगा कि पीछे से आ रहा है, इसको डॉटेड लाइन से बनाइए, डॉटेड लाइन से बनाइए। अब बताएं आप, ये जहां पर इंटरसेक्ट किया वहीं पर इमेज हमें बनेगा जो कि फाइनल इमेज होगा। अब बताइए नाम बताइए, ए डबल डैश, अभी डबल डैश ए बेटा, ये वर्चुअल इमेज की रियल इमेज, रियल इमेज, ये वर्चुअल की रियल, वर्चुअल ये रियल है वो वर्चुअल है, वहां डॉटेड लाइन है ना, बता चुके हैं ना हम, जहां डॉटेड लाइन से बनता है वो होता है वर्चुअल, और जो एकदम ये डिस्क्रीट डार्क लाइन से, अगर ये डार्क लाइन से जो बना हुआ है वो क्या होगा, रियल होगा। तो ये रियल इमेज है, इस रियल इमेज का फाइनल इमेज है वर्चुअल, तो इसलिए इसको कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसा गलत बताते हैं सर, सुन आया ठीक है तो इसलिए यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश क्या बनेगा, फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट का। बताइए छोटा बड़ा कि बना कि बड़ा बना, बड़ा बना, बड़ा बना, बहुत बड़ा बना, है ना, अरे इतना बड़ा था, इतना बड़ा बना, तो ये बड़ा है,
बहुत बड़ा है ना, बताइए ये हो गया खत्म आपका। ये रहा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्ट हुआ है बेटा, देखिए यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है, फिर बस बस आप उसके बाद यहाँ आएंगे सर, फिर इसके बाद तो इसलिए ये रिफ्लेक्शन के बेस पे काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे खत्म। समझ में आया क्या? ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। बस मात्र 5 मिनट का एक और टॉपिक पढ़ाते हैं, बस खत्म हो गया था मेरे। अब न्यूमेरिकल पैटर्न है ना, बस 5 मिनट, 5 मिनट भी मेरे ख्याल से नहीं लगेगा, ठीक है आइए देखते हैं।